दूसरा बड़ा राज्य जो अब हम आपको पॉलिटिकल स्टॉक एक्सचेंज में दिखाने वाले हैं वो है आंध्र प्रदेश। जो मेथोडोलॉजी है वो आपको बता दे, ऐसे हुआ सर्वे, 25 संसदीय क्षेत्रों में हम गए, 10,650 सैंपल साइज है। सर्वे का वक्त है 8 सितंबर से 12 सितंबर के बीच का, और ऐसे ही जो अब आंध्र प्रदेश की जनता कह रही है वो अब आइए आपको जल्दी से बता देते हैं, क्योंकि सर्वे इस तरह से किया गया है, 25 संसदीय क्षेत्रों को हमने कवर किया है। और अब आइए पॉलिटिकल स्टॉक एक्सचेंज में, वक्त आ गया है जब आपको बताएं कि नरेंद्र मोदी वर्सेस राहुल गांधी क्या कह रही है आंध्र प्रदेश की जनता। दोनों तरफ आएगा ग्राफ और धीरे धीरे आप देखेंगे कि राहुल गांधी को जहां एक तरफ ये देखिए 44 पर पहुंचा है, तो 38% पर नरेंद्र मोदी आंध्र प्रदेश में नीचे रह गए हैं। पहला ऐसा राज्य जहां पर नरेंद्र मोदी राहुल गांधी से पीछे रह गए हैं। मुझे पता है धड़कन बढ़ गई होगी जीवीएल नरसिम्हा राव जी की ये समझने के लिए, उनके पास चलेंगे, लेकिन केंद्र के कामकाज पर ये पहला ऐसा राज्य देखिए, बड़ी बात है ये यहाँ की। अब हम आपको दिखा रहे हैं 5 राज्यों के ग्राफ दिखा रहे हैं। मध्य प्रदेश में आपने देखा था 20% का फासला था वहां पर, 59 छत्तीसगढ़ में, 57 राजस्थान में, लेकिन 44 और अब धीरे धीरे 38 पर पहुंच गया है मोदी का ग्राफ। और इधर देखिए 36, 34, 35, 39 होते हुए 44 पर है आंध्र प्रदेश में। अब सरकार के कामकाज पर क्या कहती है आंध्र प्रदेश की जनता, ये आपको बताते हैं। केंद्र सरकार के कामकाज पर आंध्र प्रदेश की जनता ने थम्स अप दिया है, 31% लोगों ने नरेंद्र मोदी के सेंटर के कामकाज को ठीक ठाक कहने वाले, यानी जिन्हें फेंस सिटर्स कहा जाता है, जो मानते हैं कि ठीक ठाक है पर उनका पता नहीं किस तरफ जाएंगे, वो 23% है। 23% एक बड़ा नंबर, लेकिन बदलाव कहने वाले सीधे सीधे 42% है। और यहां पर राहुल गांधी की लोकप्रियता ज्यादा है मोदी से, तो ये आंकड़ा क्या कह रहा है, जो बदलाव चाहता है। क्योंकि अगर इस 42 में उस 23 में से आधे लोग भी मिल गए तो एक तरफ हो सकता है मामला पूरा आंध्र प्रदेश का लोकसभा के नतीजों में। कौन बने मुख्यमंत्री, आइए जल्दी से आपको ये चेहरे भी दिखा देते हैं, जिसके बाद हम चर्चा को आगे लिए चलेंगे। मुख्यमंत्री अगला कौन होना चाहिए, यह भी एक सरप्राइज फैक्टर है, क्योंकि जगन मोहन रेड्डी 43% के साथ सबसे आगे है, चंद्रबाबू नायडू 38% पर उनसे पीछे रह जा रहे हैं मुख्यमंत्री की रेस में। तीसरा पवन कल्याण 5%, ये अपने आप में जिस तरह से जगन मोहन रेड्डी ने चंद्रबाबू नायडू को पछाड़ दिया है, ये एक बहुत बड़ी बात है, इस पर भी चर्चा करेंगे स्पेसिफिकली। अब कामकाज की जल्दी से बात कर लेते हैं कि मुख्यमंत्री के तौर पर राज्य सरकार के कामकाज पर आखिर कितने लोग थम्स अप दे रहे हैं चंद्रबाबू नायडू को। 33% लोग अच्छा कह रहे हैं चंद्रबाबू नायडू के कामकाज को, जबकि 18% कह रहे हैं कि ठीक ठाक है, लेकिन बदलाव चाहिए, इस पर रखिए नजर, बदलाव चाहिए कहने वाले 36% है, जो एक मुश्त दूसरी तरफ जाएंगे। इस 36 में अगर 18% जुड़ जाता है तो आप समझ सकते हैं, 18 का आधा भी अगर जुड़ जाता है तो फिर मामला कैसे सीधे सीधे चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ चला जाता है। अब आइए आपको सबसे बड़े मुद्दे जो है आंध्र प्रदेश के वो दिखा देते हैं। सबसे बड़ा मुद्दा, सफाई करिए आंध्र प्रदेश में, स्वच्छता 51%, तेलंगाना से भी ज्यादा आंध्र प्रदेश में 51% लोग कृषि को सबसे बड़ा मुद्दा मान रहे हैं। वहीं रोजगार का मुद्दा देखिए 25%, यहां भी मानते हैं कि रोजगार एक बड़ी समस्या है। महंगाई को लेकर 23% लोग, वही पेट्रोल डीजल की कीमतें, हालांकि अभी तो और भी बेतहाशा भाग रही है और इसीलिए वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है महंगाई का। पीने का पानी 21% ही तेलंगाना में भी था, 21% लोग यहां भी सरप्राइजिंगली पीने के पानी को चौथा बड़ा मुद्दा मान रहे हैं। और फिर स्वास्थ्य सुविधाएं, जो कि देश में इतनी बड़ी परेशानी का सबब है, वो 21% लोग कह रहे हैं कि स्वास्थ्य सुविधाएं जो है वो बदलनी चाहिए। तो